हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नोफूड चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कस्टर्ड डेजर्ट। ये आप किसी भी ओकेशन में या फेस्टिवल्स में बना सकते हैं। मेहमानों को जब ये आप बनाकर देंगे तो मेहमान बहुत खुश होंगे। और ये रेसिपी बनाना बहुत इजी है। इसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपके बच्चे और आपके घर वाले बनाने की फरमाइश करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने का तरीका आज हम आपको बताते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंगो कस्टर्ड डेजर्ट। यहाँ पर हमने एक पैन रख लिया है। पैन में हम डालेंगे 200 ग्राम दूध। इसके बाद हमने जितना दूध डाला है उतना ही पानी ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना है। इसके बाद डाल लेंगे 1 कप शुगर। यहाँ पर हम 1 कप शक्कर डाल लेंगे। फ्लेम को हम लो रखकर पकाएंगे। एक बोल ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। और अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि लम्स ना रह जाएं। इसके बाद हम इसको दूध और जो पानी में हमने रखा था इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम बस 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी। इसके बाद हम इसको अलग साइड रख लेंगे। यहाँ पर हम इसको अलग से एक साइड रख देंगे। इसके बाद होगा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम एक बोल रख लेंगे, इसमें हम डालेंगे 3 गिलास पानी। इसके बाद हम डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून साबुदाना। साबुदाने को हम 2 घंटे तक अलग से भिगो कर रख कर पकाएंगे तो जल्दी पक जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होने तक हमको साबुदाना पकाना है। तो साबुदाना ट्रांसपेरेंट होने तक हमने पका लिया है। अब हम इसको एक छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि हम पानी अलग कर दें। और साबुदाने को ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर हम इसमें अलग कर देंगे, क्योंकि साबुदाना चिपक जाएगा। इसलिए हम इसको इस तरीके से अलग बोल में निकाल लेंगे। और ये जो एक्सेस पानी है अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट में हम बताएंगे इसका क्या करना है। 4 स्पून सब्जा बीन्स में पानी डालकर हम भीगने के लिए 5 मिनट तक रख देंगे। इसके बाद एक बोल आम के पीसेस हम डाल लेंगे जार में। इसमें हम 1/2 कप दूध डाल लेंगे। यहाँ पर हम डाल लेंगे 1/2 कप दूध। इसके बाद हम इसका एक मिक्सचर बना देंगे। एक बोल में हमने जो पहले स्टेप में कस्टर्ड बना कर रखा था उसको एक बोल में डाल लेंगे। इसके बाद हमने जो साबुदाना बनाकर रखा था इसको डाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 3 टेबलस्पून सब्जा बीन्स जो हमने भिगो कर रखा था 5 मिनट तक। यहाँ पर हम 3 टेबलस्पून डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसी तरह रख देंगे। इसके बाद हम डालेंगे मैंगो प्यूरी जो हमने मैंगो प्यूरी बनाकर रखा था, इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बादाम और काजू। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसके बाद डालेंगे हम मैंगो पीसेस। इनको हम मिक्स कर देंगे तो हमारा मैंगो कस्टर्ड तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंगो कस्टर्ड डेजर्ट कितनी अच्छी तरह से लग रहा है। इसको अब हम एक ग्लास में डालकर सर्व करेंगे। ऊपर से गार्निश के लिए मैंगो पीसेस डालेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसको आप इसी तरह से पी सकते हैं, या फिर एक और भी तरीका है इसको आप सर्व करने का। एक तरीका ये है कि इसमें आप आइस डालकर और कुछ मैंगो के पीसेस डालकर, साथ ही ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश करके आप इसको पी सकते हैं, या फिर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो पानी रखा था साबुदाने का, अब चलिए उस पानी का हम क्या करते हैं बताते हैं। यहाँ पर देखिए इस पानी में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सब्जा बीन जो हमने 1 टेबलस्पून रखा था। इसमें थोड़े से मैंगो पीसेस डाल लेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े शक्कर डालकर पी सकते हैं, या फिर इसी तरीके से भी पी सकते हैं। ये हेल्दी ड्रिंक बहुत ही टेस्टी रहेगी और हेल्दी रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।